चलो जल बहुत आ रहा भाई, जल बहुत आ रहा। अच्छा हम वहाँ नहाया करे थे, अब जल यहाँ आए। हाँ वहीं नहा करे थे, अब जल यहाँ आए। दोस्तों गोताखोर कार्यालय भी डूब गया है, देख सकते हो आप। यह है गोताखोर कार्यालय, जो कि यहाँ अगर गंगा स्नान करते वक्त कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए यहाँ पे गोताखोर रहते हैं। और दोस्तों सभी श्रद्धालु यहाँ पे नहा रहे हैं। ये जो बल्ली गड़ी हुई है इनके पार नहीं जाना चाहिए, इससे आधे जो पार जाते बहुत ज़्यादा गहरा पानी है। दोस्तों नमस्कार, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज आया हूँ मैं ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर, और आप सामने देख सकते हो ये ब्रजघाट का बाजार है। प्रसाद वगैरह खाने के लिए सब कुछ मिलता है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है, सामने आप प्रसाद की दुकान देख सकते हो। और सामने चलते हैं, अभी आपको गंगा के दर्शन कराऊंगा मैं, माँ गंगा के दर्शन। और चलते हैं, बने रहना दोस्तों वीडियो में। दोस्तों बारिश पहाड़ों में ज़्यादा हो रही है और गंगा ज़्यादा उफान पे है, और मैं देखता हूँ ताज़ा हाल क्या है और आपको भी दिखाऊंगा। दोस्तों जो है भैया ब्रजघाट, यहाँ पे साधु संत बैठे रहते हैं, जो कि अस्थिया विसर्जन करने के लिए आते हैं, उनको खाना खिलाता है। दोस्तों ये है ब्रजघाट, जहाँ की दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और अभी जो नवंबर में हाल फिलहाल में ही गढ़गंगा मेला लगने जा रहा है दोस्तों, वहाँ की भी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों गंगा में ज़्यादा तेज जल आ रहा है, कृपया करके गंगा स्नान बहुत सावधानी पूर्वक करें और अंदर ना जाए। दोस्तों ये है घंटाघर और हम हैं ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर, और सभी श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। और गंगा का फ्लो बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा जल आ रहा है, मैं आपको सामने दिखाऊंगा। चलो जल बहुत आ रहा भाई, जल बहुत आ रहा। अच्छा हम वहाँ नहाया करे थे, अब जल यहाँ आए। हाँ वहीं नहा करे थे, अब जल यहाँ आए। है 200 रुपये सवारी, तीन तो 100 रुपये सवारी बता रहा था बाहर से, तो हम क्या अकेले बुक करके ले जा रहे हैं ना, हम तो यही छोड़ लेंगे अपने ले जाके, वहाँ कोई दिक्कत ना। दोनों हैं हम ना, हम तो ना दे 300 रुपये। तो भाई 300 रुपये ना दे रहे हम, एक जावे नहा रहे हैं ना सामने हैं, ए वहाँ वहाँ अरहन ने जाकर अर देख देख वे गए वहाँ पार्ली कट सीख है, और थोड़े से मन ज़्यादा जल के जल की गहराई में तो जाइए ना भाई। बहुत बोतल, एक सेकंड, वही जा यहाँ सामने जहाँ बल्ली लग रही है, रिश्ता आ गया। दोस्तों ब्रजघाट पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, और गंगा में जो है इतना जल दूसरा किनारा दिखाई नहीं दे रहा, देख लो आप सामने। और ये जो सामने है ये है गोताखोर कार्यालय, जो कि यहाँ
अगर गंगा स्नान करते वक्त कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए यहाँ पे गोताखोर रहते हैं। और दोस्तों सभी श्रद्धालु यहाँ पे नहा रहे हैं, जो बल्ली गड़ी हुई है इनके पार नहीं जाना चाहिए, इससे ज़्यादा जो पार जाते बहुत ज़्यादा गहरा पानी है दोस्तों। और सभी यहाँ ब्रज घाट पे अस्थि विसर्जन करने के लिए भी आते हैं, गंगा स्नान करने के लिए भी आते हैं। सभी प्रकार के श्रद्धालु अभी यहाँ पे हैं। और पुरोहित जी, ये प्रसाद वरसाद की दुकान है यहाँ पे सभी, और मैं आगे की जानकारी दूंगा, वीडियो में बने रहना साथ। दोस्तों ये सामने जो लड़का है ये चुंबक ले रहा है रस्सी में, और इसमें जो है गंगा में ऐसे ही घूमता रहता है, जो भी पैसे वगैरह चढ़ाता है यहाँ पे गंगा माँ में, और वो उसमें चुंबक में चिपक जाते हैं, या फिर कोई सोने चांदी की चीज़ हो वो कुछ भी इसमें पा सकता है इन्हें, तो सारे दिन इनका यही काम है दोस्तों। आप सामने देख सकते हो ये दोस्तों, ब्रजघाट पे हूँ मैं आज, गढ़मुक्तेश्वर, ये पुलिस सहायता केंद्र है यहाँ पे, गंगा सभा आरती, और ये आप सामने गंगा माँ के दर्शन कर सकते हो। और ये सभी श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं, और वो सामने जो है नाव में घूम रहे हैं दोस्तों श्रद्धालु। जय माँ गंगा, जय भोले शिव शंकर, जय श्री माँ गंगा। दोस्तों अगर यहाँ पे जो है नाव में घूमना है तो 100 रुपये पर पर्सन किराया वसूला जाता है यहाँ पे, और अगर अस्थियाँ विसर्जन करनी है तो भी नाव में जाके बैठ के बीच गंगा के धारा में जा सकते हैं, और वैसे घूमना है तो भी 100 रुपये ही होगा, वैसे तो 200-200 भी बताते हैं, लेकिन 100 रुपये में मान जाते हैं फिर। हाँ सारे सामान लिया है दोस्तों, हमने गंगा स्नान कर लिया है और अभी हम चलते हैं। वीडियो कैसी लगी और वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करना, हर हर गंगे लिखना दोस्तों। और जय हनुमान, जय वीर बजरंगबली, जय भोले शंकर। अभी चलता हूँ मैं दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।